नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शेखावटी इलाके में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत कर कांग्रेस में लाल डायरी को लेकर उठे विवाद पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले राजस्थान के विकास का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है तब से विकास के काम में रोड़े अटकाने का ही काम चल रहा है। कांग्रेस की सरकार का मतलब है कि लूट की दुकान और झूठ का बाजार। इस लूट की दुकान का ताज़ा प्रोडक्ट है लाल डायरी। मोदी ने कहा कि कितनी ही ताकत लगा ले, लेकिन लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। लाल डायरी के नाम से ही कांग्रेस के नेताओं की बोलती बंद हो रही है। लोकतंत्र में सरकार को अपने काम का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन जो 4 साल सिर्फ सोएगा वो काम का हिसाब कैसे देगा। इन लोगों ने सरकार का हर दिन आपसी खिंचातान वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया है। मोदी ने कहा, कहते हैं लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खोले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।